नगर पंचायत कंडाघाट में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन अंशु चौधरी प्रमुख वक्ता रहे। विधिक शिविर में कंडाघाट वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंशु चौधरी ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि महिलाओं, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति धन के अभाव से कानूनी सहायता लेने में असमर्थ है तो वह निशुल्क कानूनी सुविधा का लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि यह निशुल्क सेवा इसलिए प्रदान की जाती है ताकि कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों के कानूनी सवालों के जवाब भी दिए। इस मौके पर नगर पंचायत कंडाघाट की अध्यक्षा गीता, उपाध्यक्ष मनीष सूद सहित 60 प्रतिभागी उपस्थित रहे। अंकुश चौधरी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना उसका अधिकार है, कोई व्यक्ति आर्थिक कारणों से न्याय के लिए वंचित ना रहे। इसीलिए देश में हर न्यायालय स्तर विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित है। इन विधिक प्राधिकरणों से कोई भी व्यक्ति मुफ्त न्याय की सुविधा प्राप्त कर सकता है। उन्होंने महिलाओं, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कानूनी प्रावधानों, मुफ्त कानूनी सहायता कैसे प्राप्त करें इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ में यह भी बताया कि वह किन परिस्थितियों में इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। उपस्थित लोगों को नेशनल लीगल सर्विस प्राधिकरण की कार्य व्यवस्था के बारे में जागरूक भी किया गया। पंचायत कंडाघाट में आज एक लीगल अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त न्यायाधीश श्रीमती अंशु चौधरी जो सोलन से यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो है इस लीगल अवेयरनेस कैंप की अध्यक्षता की। और इस लीगल अवेयरनेस कैंप में जो है वो यहाँ के पार्षदों और यहाँ कर व्यापार मंडल व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कैंप के दौरान जो है लोगों को ये जानकारी प्रदान की गई कि किस तरह से मुफ्त कानूनी सलाहें न्यायाधीश न्यायपालिका के माध्यम से भी जो है सरकार जो है वो उपलब्ध करा रही है, और ये जो सेवाएं जहाँ जहाँ उपलब्ध हो रही हैं उसके बारे में माननीय न्यायाधीश महोदया ने यहाँ पर जो है वो जनरल पब्लिक को जानकारी दी। आगामी समय में भी ऐसे ऐसे जो है शिविर जो है नगर पंचायत द्वारा किए जाने की योजना है, जो हम समय समय पर करते रहेंगे। कंडाघाट से कृष्ण सिंह धान की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।